मसाला दाल खिचड़ी। ओह वाओ। ये दाली पप्पा ने हरी मिर्च तो मिक्स कर लेना है। डाल रहे हो? अच्छा शेंगदा नहीं, मेरे को भी एक। आरा ने तो मैं कचरा निकाल रहा था। चल ये धो। पप्पा बस यहाँ पे खड़े रह के वो कर लेते हैं और बाकी सारा काम हमें करना पड़ता है। बस तड़का मार के हो जाता है क्या पप्पा? तो मास्टर शेफ सिर्फ है ना खाना बनाने काम करता है, बाकी उसके चेले चपाटे सारा काम करते हैं। चेले चपाटे? चलो चेले चपाटो धो के लाओ। जो तेरी माँ कभी ठीक से नहीं बनाती। ये गई इसमें हल्दी, ये लाल मिर्च, ये नमक, ये गरम मसाला, ये गया धनिया पाउडर। चलो बन गया ये मसाला। चल तू भी सेकना डाल। ये लो ये गया मसाला। अभी टाइम है टमाटर का। कौन ग्लास में भरेगा पानी और कौन उसमें डालेगा लेके? ये तरीका मस्त है। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। 30 मिनट? और फिर कुकर बंद नहीं करने का, उसको पकने नहीं देने का। ले ये लो खा लो, ये ले, ले। ये किचन में से बहुत खुशबू आ रही है, बाप अपने को भी मांगता है दाल खिचड़ी। मस्त देसी घी डाल के एक कुकर दाल खिचड़ी खाऊंगा। टेस्टी तो लग रही है। 10 मिनट बाद गैस बंद कर देना, 20 मिनट बाद उसको खा लेना। ठीक है। दाल खिचड़ी दाल खिचड़ी दाल खिचड़ी दाल खिचड़ी दाल खिचड़ी। अरे अरे ये किचन में से खुशबू आना बंद कैसे हो गई? दाल खिचड़ी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे कोई तो दाल खिचड़ी लेके आओ, मेरे तो अभी दांत भी आ गए देखो। तो ये खिचड़ी बन चुकी है, चलो अभी हम इसको ओपन करते हैं। वाव खुशबू तो एकदम मस्त आ रही है। चलो अभी हमें ना ये पापा को सर्व करते हैं। ये लो पापा आपका खाना। मस्त घी भी डाल के लाया मैंने, खाओ आराम से मस्त। तो देखो मेरा जो देवसेना लुक का ब्लाउज पीस है ना वो आ गया और कितना मस्त लग रहा है। अभी मुझे है ना इसको सिलाने के लिए डालना है, तो चलो नानी के साथ चलते हैं। और देखो देवसेना का जो ब्लाउज है ना उसी के जैसे लग रहा है। नहीं सेम बताओ कितने हो? थोड़ा वर्ती। हाँ बस घर पे और मुझे जो भी साइज वगैरह देना था वो सब कुछ हो गया है। और वो ब्लाउज है ना मुझे सिला के कल सुबह 11 बजे मिलने वाला है। तो ठीक है चलो कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। गुड नाइट। मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल है ना एकदम अच्छे से साफ कर लिया। ये मैं पेड़ को खाऊं क्या पेड़ की मिट्टी खाऊं? ये बहुत बड़ी समस्या है रे बाबा। जा पेड़ तेरे को माफ कर दिया मैंने। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। ये मेरा बड़ा भाई कोई कसर नहीं छोड़ता मुझे हंसाने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसके आँख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अभी सबसे पहले ना मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ना मैं आपको मेरा आउटफिट दिखाऊंगी।
तो चलो मैं आपको देव सेना का आउटफिट दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रही पिंक कलर की प्लेन साड़ी। इसका ब्लाउज है ना, मैंने सिलाने के लिए डाला है, तो वो 1 घंटे में आता ही होगा। और ये रहा कमरबंद, कितना मस्त है ना। और ये देखो, ये जब मैं ऐसे बालों में यहाँ पे बो डालूंगी ना, तो बालों में ऐसे लगाने के लिए ये। और ये दोनों रहे नोज रिंग, एक तो मैं ना साइड वाला पहनूंगी और एक नाक के बीचों बीच। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। ये गले का हार, ये दोनों एयर रिंग, ये रही पायल, ये जो बिंदी है ना यहाँ पे लगाने के लिए, ये भी है। और बाद में ये सब आईलैशेस और आईलैंसेस, ये तो मैं मेकअप के टाइम पे ही लगाऊंगी। तो ये सारी चीजें है ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, और इसको आने के लिए ना 2 हफ्ते लग गए, क्योंकि है ना एक एक आइटम है ना डेली पार्सल आ रहा था। और हाँ, ये देवसेना का लुक है ना मेरे लिए बहुत कॉस्टली होने वाला है, क्योंकि है ना इसका हर एक आइटम और हर एक प्रोडक्ट है ना मुझे बाय करना पड़ा। तो मैं आपको है ना इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मुझे ये देवसेना का लुक कितने में पड़ा। अब मैं ना बस ब्लाउज का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगा। फाइनली प्रेरणा दी आ गई, हाय। कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग, बहुत दिनों के बाद। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले ना मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। सबसे डेंजरस काम चल रहा है यहाँ पे। अभी मुझे लेंसेज लगाने, देखो पता नहीं अभी मेरा क्या हाल होने वाला है, क्योंकि मुझे लेंसेज लगाना अच्छा लगता है लेकिन दर्द भी बहुत होता है। बुरा हाल हो जाता है तेरा। एक मिनट हो गया बस। हाँ, बस थोड़े से बंद कर आंखें ठीक से और घुमा। बंद करने के बाद कैसे घुमा रहे हो? अंदर से फील कर घुमाने का। हुई? ये चुभ रही है, बैठ गए। हाँ, दिख रहा है। चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं, पिटारा खोलो। इतना सारा मेकअप का सामान देखो, कितना ही दीदी के पास पूरा खजाना लेके जाती है दीदी अपने साथ। फाइनली हनला तुम्हें ब्लाउज, थैंक यू, देखो वाओ कितना क्यूट लग रहा है। चलो अभी दीदी मेकअप स्टार्ट कर रही है, क्या लगा रहे हो? ये मॉइस्चराइजर लग गया, मॉइस्चराइजर कंसीलर लग रहा है। फर्स्ट टाइम है ना मेकअप हो रहा है यहाँ पे है ना, मतलब इतने में सारे लुक्स किए हमने, वो तो पुराने वाले हैं, घर पे हम मेकअप करते थे फिर बाहर जाते थे शूट करने के लिए। यहाँ पे है ना फर्स्ट टाइम मेकअप हो रहा है मेरे न्यू वाले घर में। अभी लूज पाउडर लग रहा है, हाँ ना लूज पाउडर ही है ना, डार्क काजल एकदम। बहुत गुस्से से देख रही प्रेरणा, बता क्यों देख रही गुस्से से? फाइटिंग कर रही है ना। देखो वैसे गुस्से से देखना पड़ेगा तभी जाके लुक आएगा अच्छे से। वाओ, ये सब आंटी की आइडिया है ना। हाँ फिर मम्मी इज एक्सपर्ट, आंटी मेहनत लेती है तभी तो सब कुछ होता है। अभी यहाँ पे दीदी ने ना ये लगाया, क्या फाउंडेशन लगाया है, उसको ब्लेंड करने। अभी प्रेरणा दी काजल लगा रही है। देखो देवसेना की लिपस्टिक ऐसी है, हमारे पास भी वैसी है। हाँ सेम। इतना गुस्से से देख रही हो तू, ऐसे ही देखना पड़ेगा गुस्से से। एक सेकंड, लुक कैसा है उसका? यहाँ पे ना प्रेरणा दी मेरी हेयर स्टाइल बना रही है, और मम्मी देखो ये एक्सटेंशन को है ना सुलझा रही है। देखो यहाँ पे क्या जुगाड़ चल रहा है, ये क्या कर रहे हो बताओ? सॉक्स को कट करके उसका बन बना रही है, क्योंकि छोटा बन है ना अपना। हाँ, ये जो बन है ना ये काफी बड़ा हो गया, इसीलिए ये जुगाड़ चल रहा है। अरे बाप रे, इधर तो मेकअप की दुकान नहीं, मेकअप का मार्केट ही खुलेला है। देखा आखिरकार जुगाड़ ही काम आता। फाइनली हेयर स्टाइल जो है वो हो गई है, अभी बस है ना मुझे साड़ी पहननी है, उसके बाद मैं ना ज्वेलरी पहन के मैं आपको मेरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। अगर मैं थोड़ा टाइम और इधर रुका तो ये मेरे को लड़की बना डालेंगे रे बाबा, निकल लो इधर से। ये मम्मी क्या लेके आया? वाओ चाय और बिस्किट। ये क्या है चिकू, ऐसे नहीं करते ना, दीदी का मेकअप का सामान है ना वो।
ये मेकअप का सामान नहीं, मेकअप का घोड़ा उन्हें। अभी है ना प्रेरणा दी मुझे ना साड़ी पहना के दे रही है। यार ये नौवारी साड़ी पहनना है ना काफी डिफिकल्ट है। हाँ ना, ऊपर से ये कपड़ा भी ऐसा है ना कि बैठ ही नहीं रहा। अरे बहुत लूज है और सटक भी रहा है ये। वही कितना मस्त बैठा है दीदी, देखो ना एकदम प्रॉपर। और सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें करना है, मेकअप वगैरह सब कुछ हो गया। ये जो देखो ये देवसेना ने जो टीका लगाया हुआ है ना ये भी लगाना है। और देखो प्रेरणा दी है ना यहाँ पे रिहर्सल कर रही है उसकी। तो दिखाओ टीके की, ऐसे बनाना है अभी मेरे माथे पे। दीदी मुझे छींक आ रही है मेरे को। नहीं नहीं सॉरी, मिट गया। नहीं नहीं सेम बना है ना, एकदम सेम लग रही। वाह थैंक यू, उसकी जैसे लुक दे। हो गया, अभी लास्ट टचअप चल रहा है, फिर उसके बाद में मैं आपको मेरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी लास्ट प्रोसेस क्या ये लैशेस? हाँ लैशेस लग रहे हैं। तो मालूम है बंद। प्यारी मम्मी यहाँ पे है ना ये चूड़ियाँ बना के दे रही है। इधर तो देखो, थैंक यू प्रेरणा दी आने के लिए और इतना मस्त मेकअप करके देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। तो क्या आप रेडी हो मेरा फाइनल लुक देखने के लिए? चलो फोटो है ना रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे सेम ऐसी ही पोज में। मम्मी देखो ऐसी ही पोज है ना। थोड़ा गुस्से से देख। तो फील आने के लिए मैंने ये लिया है। तलवार तो नहीं मिली? हाँ तलवार तो नहीं मिली लेकिन ये चल जाएगा। अनुष्का शेट्टी का है ना ये वाला फोटो हम क्लिक करने की कोशिश करेंगे और जल्दी करना पड़ेगा। देखो अभी है ना शाम का टाइम हो रहा है और अंधेरा भी हो जाएगा कुछ देर में, इसीलिए फास्ट फास्ट करते हैं। मम्मी देखो ऐसे ही पोज है ना। हाँ बस स्माइल कर। हाँ थोड़ा तिरछी नजर, इधर सामने फेस है, तिरछी नजर से हंस रही है। हाँ ठीक। राज्य में हमला होता है और जो बाहुबली ऐसे बांध लेके पीछे से नहीं आता है, जब देवसेना कैसे पलट के देखती है वो वाला सीन हम रिक्रिएट करेंगे। आई नो यार साड़ी अलग है लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो अभी देखो अभी है ना 7:15 बाकी और पापा घर पे आ गए होंगे, तो चलो पापा को मेरा ये वाला लुक दिखाते हैं और उनका रिएक्शन देखते क्या आता है। और मम्मी देखो, मम्मी बेचारी थक गई, पहले से इनकी तबीयत खराब थी। चलो कैमरा वैमरा ले लेते हैं, पैकअप करते हैं। पैकअप कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लगती, तू हमेशा यह सुंदर दिखती है। थैंक यू मम्मी, आपने भी बहुत अच्छा शूट किया। मुझे ये देवसेना का लुक क्रिएट करने में कम से कम 4,500 to 5,000 का खर्चा आया। और आपने देखा ना एक लुक रिक्रिएट करने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगती है। मेरी मम्मी की दिन भर की मेहनत लगी, फिर प्रेरणा दी ने मेकअप किया उसकी मेहनत लगी, और थोड़ी बहुत मैंने भी मेहनत की। तो प्रेरणा दी है ना बहुत अच्छा मेकअप करती है, आप देख ही सकते हो। अगर आपको भी कोई मेकअप वगैरह कराना है तो आप करा सकते हो। इनके इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।